इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंजॉय करो और कमेंट्स भी दो, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स, और नहीं तो ये 2.5 किलो का हाथ उठेगा और आदमी फिर उठता नहीं। क्या होता बेटा? उठ जाता है। ये कहानी है बॉलीवुड स्टार सनी लियोन की, पिछले जन्म की भटकी हुई आत्मा की, जो गलती से इस सदी में आ गई है। और इस सदी में आ गई तो वो अपने आप का फूले नहीं समा रही, वो कह रही है आई एम सनी लियोनी। तो सुनो उस सनी लियोनी के बारे में और आप देखो उसको। इतना सनी लियोनी तो आज की सुपरस्टार भी नहीं कहती है, जो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है, हॉलीवुड में भी है। ये बहुत अनोखी है, आई एम सनी लियोनी। अरे सनी लियोनी का कीड़ा है तेरे में मानते हैं, पर इस कीड़े को इतना मत जगाना कि आई एम सनी लियोनी पागल कर दे सबको। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। यार सनी लियोन सुन के ना मेरा कान के पर्दे फट गया, थोड़ी देर में पागल हो जाऊंगा मैं। अगर इसने अब सनी लियोन बोला ना तो सनी देओल का रूप लेके जॉनी सिंस बन जाऊंगा, फिर साथ में दोनों खेलेंगे। डर गई। चलो विदेशी वस्तु कहीं तो भारत में काम आई, जॉनी सिंस असली वाले के लिए नहीं तो नकली वाले के तो काम आया। अच्छा है डर गई, नहीं तो देश गलत हाथों में जा रहा था, नहीं तो हमें फिर से इसको रशिया को बेचना पड़ता। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी और सब कहते हैं मुझे मीठा मीठा कहां। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे तुम कर नाचे गिर जाओगे। अब मीठे वाले काम करोगे तो मीठा नहीं तो कड़वा बोलेंगे तुम्हें, तुम्हारा टेस्ट तो डेरी मिल्क से भी बेकार होगा। दोस्तों मत बोला करो यार मीठा मीठा, क्योंकि अगर इसको मीठा बोलोगे तो डेरी मिल्क की बेइज्जती होगी। डेरी मिल्क इससे कई ज्यादा कई गुना महंगी और कई गुना मीठी होती है। मत बोला करो यार, आज से इनको लेडी बॉय बोलना, ठीक है? ये ले जाओ। अब जरूरी थोड़ी है तुम्हें मीठा बोलने के लिए, तुम्हें चाशनी में डुबाया जाएगा, फिर बाहर निकाला जाएगा, फिर टेस्ट करा जाएगा। ए मीठा ये तो तुम्हारी हरकतें भी तो कुछ बया करती है, इतनी सारी तुमने वीडियो वायरल कर रखी है अपने मीठे वाली, तो तुम्हें खट्टा थोड़ी बोल देंगे अचानक से। और वैसे भी तुम सनी लियोनी हो। सनी लियोनी मैं कहना चाहती हूँ, तू अपनी गर्लफ्रेंड को कहता मोटो दिखा दे, उसकी अपनी माँ को फोटो नहीं दिखा सकता। बताओ अब ये हरकतें मीठे वाले नहीं है तो क्या कड़वो वाली है? अरे तो कड़वी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है, बीच की है। तो दूसरी आदत देखो यार इसकी, एकदम दूसरी देख, कतई बकवास है। मीठी हरकत तो पूरी पार कर रखी है इन्हें। चूक राजा जी, एको हो टाटा पिछावा से चूक राजा जी, लगाई दी चोली। जमन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। सन्नी मैं कहना चाहता हूँ यार, सच यार, सच में मेरे में एक मीठा पंती है, वो पता नहीं क्यों यार इसमें बहुत मिठास है। अब तो ये खुद ही कह रहा है अपने मुंह से, मैं मीठा, मेरे अंदर एक मिठास पंती है, इसमें मेरी थोड़ी गलती है और लोगों की थोड़ी गलती है, इसे मीठा कहते हैं। अरे दुनिया की एक ऐसी मिठाई जो दिखती तो मीठी है पर इसको खाया नहीं जा सकता, इसका हाल भी वो सोन पापड़ी की तरह है, जो घर में आती तो है पर टिकती नहीं है। सन्नी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ फाइनली मेरे इतने फ्रेंड हो गए ना, मैं उनके घर पे जा सारे काम करके आता हूँ, ठीक है? आई एम सन्नी लियोनी। अब तो सनी लियोनी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, अब ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई है अपने फैन को खुश करने के लिए उनके घरों में जाती है, काम करती है भाई, घर का काम करती है, और लोग इसके काम से इतने ज्यादा प्रसन्न है, इसको रोड पे पकड़ लेते हैं, और रोड पे पकड़ लेते हैं तो इसकी क्या हालत करते हैं वो देखो तुम, फिर कहना मुझे। यहाँ से सनी लियोनी एकदम बहुत ज्यादा पागल हो जाती है, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तुम्हें तो पता है फैन क्या क्या कर जाते हैं। Hey, y'all, come look at this. मैं हर किसी का हो जाऊं,
इतना सस्ता थोड़ी हूँ। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। रुको जरा, सबर करो। 150 रुपया देगा। मजाक में, जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? अब पूछ रहे हो तो बता ही दे रहा हूँ। अब बता रहा हूँ तो देखो, ये सनी लियोनी के इतने ज्यादा फैन हो गए, इसके फैनों ने इतनी ज्यादा इसको पीड़ा दे दी कि ये हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में जाके आ रही है, नहीं नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कभी वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा, कैसे मैं। बेटा सनी लियोनी काम से फेमस थी, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में फेमस थी, वो अपने काम से फेमस थी। तुम तो हवा में उड़ रहे थे, अब हवाई उड़ा के ले गए तुम एकदम से, हॉस्पिटल पहुंच गए तुम तो। छोड़ो आगे मत, क्या है सनी लियोनी, लोग सनी लियोनी का नाम सुन के भारत में पागल हो जाते हैं, उनमें रिवेटल जैसी शक्ति आ जाती है। तुम तो फिर भी अपना आपको सनी लियोनी बता रहे हो, ऐसा तो होना ही था महाराज जी। बहन मेरे से कोई शादी करेगा? पागल कोई नहीं करेगा, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? कैसे हो मेरा टिकटॉक जाने वाले, मेरे को कोबर में बैठ दिया लाके, कैसे हो मेरा टिकटॉक जाने वाले, कैसे हो मेरा। ये टिकटॉक का एक इकलौता एक ऐसा खेड़ा है जो दिखता तो सबको है पर पसंद किसी को नहीं आता। इसका हाल भी दिवाली में मिला सोन पापड़ी के डिब्बे की तरह है, जो सबके घरों में तो जाती है पर किसी घर में टिकती नहीं है। भाई मीठेपन की हद भारत में छोड़ो, क्योंकि भारत में बजरंग दल के लोग हैं। करण जौहर तो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि करण जौहर के पास पैसा है, तुम्हारे पास थोड़ी है, तुम्हें उसके लिए वियतनाम थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कुछ होगा। तो ये मीठापन की हद छोड़ो, कुछ काम धाम करो। अच्छा ही कोरोना 2020 में आया, अगर 2002 में आता तो ऐसे कीड़े कहाँ देखने को मिलते, और नोकिया के फोन में सांप सीढ़ी खेल कर ही टाइम पास करना पड़ता अपना। महान हो टिकटॉक महान। यार वीडियो बनाने के लिए हमें पता नहीं कहाँ से एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, क्या टिकटॉक स्टार का गोबर घास फूस में पड़े रहते हैं, जहाँ पर भैंसों का तबीला होता है, भैंसों का गोबर होता है, वहां पड़े रहते हैं सब। कहाँ इनका कंपटीशन तुमने यार यूट्यूब से कर दिया, इनका कंपटीशन थाईलैंड से करो, वियतनाम से करो, रशिया से करो, ये वही घास आएंगे, भारत में थोड़ी घास आएंगे। यार इतनी गंदी हरकत तो 30 रुपए वाला संतरा पीने वाला बंदा भी नहीं करता जितनी ये कर रहे हैं। मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना, मैं कुछ कहूं। जितनी ये कर रहे हैं तभी तो टिकटॉक की रेटिंग गिरते जा रही है और बैन होने की नौबत आ गई है इसको, तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको डिलीट कर रहे हैं अपने फोन से। क्योंकि उन्हें ना 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 भैया, मेरे बस की नहीं है, पहले मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं, फिर मैं लड़कियों को पार्कों में ले जाऊं, पहले मैं उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाऊं, तैयार कराऊं 2-3 हजार में लगाकर, फिर मैं वीडियो बनाने के लिए ले जाऊं, मेरे बस की नहीं है भैया, खर्चा वर्चा ना होता मेरे पे, मैं तो बैठे बैठे ही वीडियो बनाता हूं, देख नहीं है देखो। भाई टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए इतना खतरनाक मेकअप तो कभी यूट्यूब के स्टार टिकटॉक पर आने के बाद नहीं करते हैं, जितना गंदा मेकअप ये कर रहे हैं और चप्पल रख के आटा पाटा लगा के, क्या हरकत है भाई सब, क्या क्या एकदम क्या यार, पागल कर रखा है मुझे एकदम पागल। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम, मैं हूँ रसीली महारानी और मेरे शौक हैं लाजवाब। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। और अब ये चाशनी रसगुल्ले से रसीली कैसे बन गई समझ नहीं आ रहा, और इसी ऐसे कौन से नवाबी शौक आ गए, अगर इसको हरम पर भी लेके जाऊंगा तब भी कोई इससे डेरे मिल्क से ज्यादा पैसे नहीं देगा इसको।
नो अभी सो भाई। तभी कहते हैं टिकटॉक बंद करवाओ तो हमारा यूथ बिगड़ रहा है। पहले वो सनी लियोनी, मिया खलीफा, अब ये पुनीत कुमार टिकटॉक का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अब रसीली बन चुके हैं रसगुल्ले से। अब हम क्या करें बताओ? टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन। तो आज के लिए यार वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।